अभी तो बहुत बारिश और ये बट चेंज बहुत आ गया क्योंकि लोग शायद जी जानते नहीं, कुछ लोग जानते हैं मैं आधा बंगाली हूँ, मेरी बांग्ला बूझते भारी, बट आई कांट स्पीक इट, मैं बोल नहीं पाता, लेकिन मेरे को काफ़ी थोड़ा थोड़ा समझ आ जाता है क्योंकि मेरी फैमिली थोड़ी सी यहाँ पे रहती है। बट जितना बदलाव मैंने आज देखा है, बस मेरा दिल इसलिए खुश हो गया था क्योंकि अभी भी वो खूबसूरत पीली टैक्सी अभी भी मुझे दिखती है जब मैं एयरपोर्ट पर लैंड होता हूँ, तो ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ कलकत्ता में लोग बहुत खुश रहते हैं, बहुत संतुष्ट रहते हैं, सो मुझे लगता है कि वो भी थोड़ा बदलाव की ज़रूरत है, थोड़ा फास्टर भागना शुरू करें तो अच्छा रहेगा। कलकत्ता का लोग दोपहर का क्या होता है, एक्चुअली क्या है, मेरी माँ एसएमईज है और मेरे पिताजी बंगाली हैं, दोपहर में जो दो घंटा सोना रहता था ना, बचपन से हम सब करते थे, अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि रात को 9 बजे तक आपको काम करना नहीं है, तो दोपहर को दो घंटा सो नहीं सकते और रिलैक्स नहीं कर सकते, तो थोड़ा कल्चर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वर्ल्ड वाइड हो चुका है और कुछ नहीं। सर दुर्गा माँ आ रही है, सामने ही है दुर्गा पूजा, और ये जो मतलब लड़कियों के लिए एक राष्ट्रीय उत्सव है एंड इसका पार्ट आप बन चुके हो, तो हाउ इज़ योर फीलिंग? देखिए आप आज यहाँ बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं, जब 22 साल पहले मैंने रेडियो टेलीविज़न स्टार्ट किया था बहुत कम लड़कियाँ ये करती थी क्योंकि इसको रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन नहीं माना जाता था। मुझे याद है मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाने वाला था, मैं भी वही बंगाली बच्चा था जो क्लास को टॉप करता था, इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया बहुत ज़बरदस्त, और फिर मेरे ब्रदर इन लॉ DIG पुलिस थे, मतलब मेरे मम्मी के ब्रदर, दूसरे ब्रदर जज हैं, और मैं रेडियो और टेलीविज़न में एक्टिंग कर रहा था, लोग बोलते थे क्या कर दिया, करियर बर्बाद कर दिया, तो उसको भी बदलाव लाने में 5-10 साल लगे। जब मैंने पहला घर लिया तो लोगों ने बोला अच्छा ठीक है अब कमाई हो रहा है, ये सेम लड़कियों के साथ भी होने लगा। मैंने नोटिस किया है कि अब एक्ट्रेसेस तो आप बोलते थे वाओ ब्यूटीफुल बहुत खूबसूरत, लेकिन उसके बाद जब मैं शादियां होस्ट करने जाता था या फिर शादियों में जाता था तो वहाँ पे हम सारे परफॉर्मर्स को ऐसे ट्रीट किया जाता था जैसे आप बस नाचने के लिए आए हैं, सच्चाई है। तो आई थिंक ये सोच में काफ़ी बदलाव आया है, सोशल मीडिया, डिजिटाइजेशन, अब क्या है कि पूरी दुनिया जो बहुत छोटी हो गई, अब जो अमेरिका में हो रहा है, जो श्रीलंका में हो रहा है, जो बांग्लादेश में हो रहा है और जो भारत में हो रहा है, सबको पता है, शाम की सुर्खियाँ आपने देखी, तो उससे बहुत बदलाव आया क्योंकि औरतें हर जगह ये जान चुकी हैं, सबके साथ शायद सेम हो रहा है। सेरेना विलियम्स ने जो किया US ओपन में, उन्होंने जो किया स्पोर्ट्समैन, लोगों को बहुत अच्छा लगा, फिल्में जो आ रही हैं स्पोर्ट्समैन के बारे में, स्पोर्ट्स वुमेन के बारे में, इससे भी लोगों को लगा है कि यार सबकी ये स्टोरी है, लक्ष्मी की स्टोरी जो छपा गई थी, लोगों ने सीखा, शी हैज़ फॉट बैक। तो मुझे ये लगता है कि आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत पड़ जाती है कई बार, और कई बार ऐसे होता है कि लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आदमी और औरत दोनों, फ़र्क सिर्फ ये है औरतों को हम बहुत साल से ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते आए, लेकिन अब मूवमेंट आ रही है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द चेंज आएगा ऐसे टाइप के शोज के साथ। दुर्गा पूजा कोई ऐसा कुछ मेमोरीज है कलकत्ता के साथ अगर कुछ बताएंगे? पंडाल हॉपिंग होता था, मैं तो एक्चुअली खाने के लिए आता था सब, सो मेरी एक्चुअली सो मेरी फैमिली जो थी ना थोड़ी सी कर्मीधर, मेरी माँ ने बचपन में बताया था गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्व्स, तो बचपन से ही मैंने अपने आप को ही हेल्प किया है, सो एज सच मैं ना मुझे बहुत अच्छा लगता था फेस्टिविटी, बट मैं कभी चांटिंग नहीं करता था, मुझे कोई मंत्र नहीं पता था, देख कर ही बस खुश होता था बाकी सारी एनर्जी के साथ, मैं एनर्जी में बिलीव करता हूँ एंड आई बिलीव कि सबकी जब एनर्जीज एक साथ आ जाती हैं, जैसे जब ने सब ने जब थाली को मारा था ड्यूरिंग द कोविड, इसका एक रीज़न था, इट वॉज बिकॉज एनर्जीज वाइब्रेशंस, दुनिया में वाइब्रेशंस होती हैं, और मुझे लगता है कि कोई भी त्यौहार हो, अभी गणपति चल रहा था मुंबई में, अब दुर्गा पूजा आ रहा है, वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग हो जाती है जब एक साथ पॉजिटिव वाइब्स के साथ आते हैं सब लोग, वी आर ऑल थिंकिंग ऑफ द सेम थिंग प्रॉस्पेरिटी, इट हेल्प्स टू स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। That's what I think. एक विश कलकत्ता का जो लोग है उसके लिए, दुर्गा पूजा के लिए। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि कलकत्ता में जो भी लोग हैं ऐसे ही स्माइलिंग रहते रहो, ऐसे ही खुश रहो, क्योंकि हमारे लिए क्या होता है ना, बाकी पूरा भारत जो है ना बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट चल रहा है, बस एक गियर आगे बढ़ा लो, बट ऐसे ही खुश रहो, संतुष्ट रहो, दोपहर को दो घंटे की जगह एक घंटा सो, बाकी सब ठीक।